आप सोच रहे होंगे कि राधेलाल शुक्ला सिविल लाइंस कानपुर, ये चिंपांजी के जैसे दांत काहे चिहार रहे हैं? का भाई चश्मा वश्मा है मेरे रज्जा। कतई गरीबों के आयुष्मान खुराना लग रहे हैं। तो भैया बात ये है कि राधेलाल शुक्ला सिविल लाइंस का सपना आज जाके साकार हुआ है। नहीं नहीं, उस सुहागरात वाला सपना नहीं भाई, वहां तो कृष्णा जी ने सांप से डंक मरवा दिया, पर गुरु पिछवाड़े के नीचे बाइक और बाइक के पीछे मैसेज। अच्छा, तो आप ही सोच रहे होंगे कि राधेलाल शुक्ला जी ने बाइक चलाना कब सीखा? तो भैया इसमें मदद की इनके परम मित्र साजन श्रीवास्तव जी ने। कैसे? अरे ऐसे, तो घर के दुलारे लल्ला जी ने अपना सपना पूरा करने के लिए बड़ी मुश्किल से बाइक तो चलाना सीख लिया, लेकिन अब देखो सपने से जगे तो ना जाने हकीकत के कौन से गड्ढे में जा गिरे। क्या कर रहे हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पता नहीं ये लोग खट्टे क्यों नहीं ठीक कराते हैं। अब रहने दीजिए ना, इन गड्ढों की वजह से कितने लोगों की तो लव स्टोरी चल रही है। मतलब? वो हम तो ऐसे बोल रहे थे। अब गुदगुदी काय कर रही है हमको? तुम पागल हो क्या? हम तुम्हें गुदगुदी क्यों करेंगे? नहीं आप कर भी सकती है ना, आपका हक बनता है। देखो हमें ना कोई शौक है ना कोई हक है तुम्हें गुदगुदी करने का। तुम्हारा फोन बज रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, फोन उठाओ। फोन? हेलो। क्या बे, पहुंच गए ससुराल? अबे यार अभी रास्ते में है और तुम्हारी सांस का एको भूल ली है। तुम बे, तुम बदनाम गली ले जाने के चक्कर में हम बदनाम हो गए। सौ उठक बैठक लगाएंगे तब जाके मानेगी तुम्हारी भाभी। साला तुम्हारा ऐसा तो यही होना चाहिए, और जाओ बदनाम गली। और तुम फोन काहे किए हमको? अच्छा बेटा, भाभी पास में है, है? कोई बात नहीं। रुक काहे गए, अभी तो और करनी है। देखो तो कर रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा सुनो, हम तुमको मलियाबाद पहुंच के फोन करेंगे, ठीक है? ओके बाय। सही कहती है तुम्हारी भाभी, आज भी तुम कते लपू जन्ना ही हो। साले मलियाबाद तो ऐसे टाव में जा रहे हो जैसे मिसेज को हनीमून पर लंदन ले जा रहे हो। अबे मिसेज को लेकर पहली बार साथ निकले हो, डेट समझते हो? अबे यार 18 तारीख है, तुम काहे दिमाग खा रहे हो? टाइम पास मत करो, फोन रखो तुम। अब तारीख वाली डेट नहीं बे, अब डेट मतलब लड़का लड़की अकेले, आस पास और कोई ना हो, प्यार मोहब्बत की चार बातें करें। तो बेटा आज पहली डेट है तुम्हारी, थोड़ा इधर उधर यहाँ वहाँ टहलो, रोमांस करो थोड़ा, मिसेज को वहाँ लेके जाओ जहाँ सिर्फ तुम हो। अब हाँ ठीक है, ओके ओके हम करते हैं फिर, बाय, जय हिंद। क्या हुआ, यहाँ क्यों बाइक रोक दी? अरे कृष्णा जी, इन्हीं के आशीर्वाद से तो आज का दिन देखने को मिला हमको, एक चमचमाती बाइक और बाइक के पीछे मैसेज। इनको थैंक यू करना तो बनता है ना। चलिए
हे महादेव, देख रहे हैं ना, आप अपने वादे कितने पक्के हैं। आ गए आपको थैंक यू बोलने। अब आप ज्यादातर काम तो हमारे करते ही आए हैं, अब जो थोड़े बहुत बचे वो भी कर दीजिए ना। आप सुन लिया ना हमको? वो क्या है कि हम भी आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आप भी फ्री हो जाएंगे। पंडित जी प्रसाद है। सदा खुश रहिए। सुना आपने पंडित जी ने क्या कहा? सदा खुश रहिए। आप ऐसे सैड स्माइली की तरह फेस काहे बनाई है? हम फिर से कुछ कर दिए क्या? कृष्णा जी आप ठीक तो हैं? इस मंदिर में हम पहली बार नहीं आए हैं। बचपन में हमारी मम्मी के साथ हर एग्जाम के पहले इस मंदिर में आया करते थे। आपकी मम्मी के साथ? जी, हमारी मम्मी जी। मम्मी हमें कहती थी, बिट्टो तुझे एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए ना, तो इनसे प्रार्थना कर, तेरी हर इच्छा पूरी हो। और हम कहते थे कि अकेले कैसे करेंगी, हमें भी तो मेहनत और पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। और हम हंसते रहते थे, पर मम्मी इनके सामने हाथ जोड़ के सर झुकाए हमारे लिए प्रार्थना करती रहती थी। उनके प्रार्थना की वजह से हमने जिला टॉप किए, पर हम मम्मी के लिए कुछ नहीं कर पाए, ना प्रार्थना ना मेहनत। पता है, देश में हर साल 1,32,000 औरतों को सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी होती है, और उनमें से 74,000 औरतों की मौत होती है। हमारी मां भी उनमें से एक थी। पैसे कमाने के लिए डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे, हमारी माँ जैसी औरतों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनना चाहते थे, पर कृष्णा जी अब टेंशन मत लीजिए, सब सही हो जाएगा। तुम नहीं समझोगे, चले। हेलो। अबे गाड़ी आगे बड़ी कुछ। अबे यार गाड़ी तो कतई ट्रैक से उतर गई है। क्यों बे? यार हम कृष्णा जी को महादेव मंदिर ले आए थे तो। माय गॉड, तुम पता है ना, तुम अपने टाइप के इकलौते पीछे कसम से।
बात कर ले हम है? डेट पर लड़की को मंदिर कौन ले जाता है बे? अबे यार तुम समझ नहीं रहे हो, कृष्णा जी को हमसे बड़ी जरूरी बात करनी थी और आज उन्होंने अपना दिल हल्का किया हमारे साथ। बकवास बंद करो और जो बोलना है वो करो, समझ गए? नवाबगंज के आगे जाके एक ढाबा है, अपना ढाबा, वहां जाओ और आस्की करो। ढाबा? साले तुम ढाबा कब खोल लिए बे? मैं पंडित के बच्चे, अपना ढाबा नाम है उस ढाबे का। अच्छा तो साले पहले का ही नहीं बताया हमको, हम जाते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।